और अब आपको सैर कराते हैं राजा जी पार्क की, जो मानसून के बाद एक बार फिर सैलानियों से गुलजार होने लगा है। इस बार पार्क में सैलानियों को किताबें और स्थानीय उत्पाद भी मिल रहे हैं, जो सैलानियों को खूब भा रहे हैं। राजाजी नेशनल पार्क, यहाँ असीम शांति और आबो हवा मन को बेहद सुकून देती है। यहाँ दिखाई देने वाले जानवर प्रकृति की खूबसूरती का एहसास कराते हैं। यही वजह है कि मॉनसून के बाद अब राजाजी नेशनल पार्क का दरवाजा सैलानियों के लिए खुलता है, तो दुनिया भर से वाइल्ड लवर्स जंगल की सैर के लिए पहुँचने लगते हैं। एक बार फिर राजाजी पार्क सैलानियों से गुलजार होने लगा है। यहाँ उन्हें इस बार हाथी सफारी की सुविधा तो मिल ही रही है, कई नन्हे मेहमान भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ टाइगर की भी अच्छी खासी तादाद है। ऐसे में अगर आप भाग्यशाली हैं तो टाइगर भी आपकी आंखों से दूर नहीं है, नहीं तो उसकी एक झलक पाने के लिए घंटों टकटकी लगाने का भी फायदा नहीं। आज मैंने सबसे पहले हाथी को देखा, हिरन, जिराफ, बहुत सारे जानवर देखे और मौसम बहुत ही प्यारा था। इस बार राजाजी पार्क में जंगल की सैर के साथ साथ शॉपिंग के ऑप्शन हैं। यहाँ जंगल की किताबें, कपड़ों पर बनी जानवरों की तस्वीरें और स्थानीय उत्पाद पर्यटकों को खूब भा रहा है। सैलानी इन चीजों की जमकर खरीदारी भी कर रही हैं, क्योंकि वो यहाँ के यादगार पलों को अपने साथ सजाकर रखना चाहते हैं। बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत इंजॉयफुल है और आप देख सकते हैं कितना हर चीज है यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लगा, ऐसा लग रहा है कि हमारे वाकई भारत में बहुत टैलेंट है और हमें भी अपने भारत के लोगों को जो टैलेंट है उनको और अप्रिशिएट करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सुंदर लगा, प्रकृति के करीब लगा और इस शॉप में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हम गिफ्ट कर सकते हैं अपने साथियों को। उससे नेचर प्रमोट होगी और एक मैसेज जाएगा कि सेव एनवायरमेंट, सेव आर एनिमल्स। बहुत से पर्यटकों का पक्षियों की तरफ बड़ा रुझान बढ़ा है, तो वो कुछ ना कुछ बुक्स वगैरह और चाहते हैं कि उनको कोई ऐसी चीज यहाँ से मिल जाए जो उनको शायद कहीं दूसरी जगह ना मिलती हो। हालांकि इस बार राजाजी पार्क प्रशासन ने चीला गेट से जोगी मचान तक 7 किलोमीटर का ट्रैक भी बनाया है, जिसमें हाथी सफारी का मजा लिया जा सकेगा। पार्क प्रशासन के मुताबिक 9 साल बाद सैलानियों को हाथी सफारी की सुविधा मिल रही है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।